जब भी हम पनीर की सब्जी का नाम लेते हैं, मेरी फेवरेट है पनीर भुर्जी। इसको देखते से ही मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है, क्योंकि इसमें जो पनीर के क्रश पीसेस है उसको देखकर बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है ये सब्ज़ी। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जायकेदार पनीर भुर्जी की रेसिपी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे हाथ की पनीर भुर्जी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना जिसकी रेसिपी मेरे सब सब्सक्राइबर्स से शेयर की जाए। तो रेसिपी स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये प्यारी सी और जायकेदार रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस रेसिपी का लुत्फ जो है वो बहुत सारे लोग उठा सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। पनीर भुर्जी बनाने के लिए आपको कढ़ाई में डालना है 2 चम्मच तेल। उसमें डालेंगे अब 1 चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से आप भुनने देंगे। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची, गार्लिक, मैंने यहाँ पे गार्लिक किस के रखा है, और अदरक को भी मैंने किसा है। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हल्के लाइटिश ब्राउन हो जाए ये, तब तक आपको उसको पकाना है ताकि लहसुन और गार्लिक का कच्चापन चला जाए। इस प्रोसेस को 2 मिनट्स लगेंगे और अब देख सकते हैं ब्राउन हो गए गार्लिक और अदरक। अब मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड ओनियंस। पनीर भुर्जी में जब ओनियन आप डालेंगे तो इसको एकदम नाइसली चॉप करें, बहुत बारीक चॉप करें, तो आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 चॉप्ड ओनियन लिए हैं, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा सब्ज़ी लगेगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ओनियन ब्राउन होने तक आप उसे अच्छे से कढ़ाई में हिलाते रहें। उसके बाद आप टमाटो ऐड करें। टमाटो जो आप चॉप करेंगे थोड़ा सा साइज़ आपको बड़ा रखना है, क्योंकि बहुत अच्छा उससे जो टेक्सचर आता है सब्ज़ी का, तो थोड़े से बड़े टमाटर आप चॉप कीजिए। और ओनियन जब ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से, आप इस तरीके से टमाटो उसमें ऐड कर लीजिए। और टमाटो थोड़े हल्के हल्के मशी होने लग जाएंगे आफ्टर 2-3 मिनट्स, और आपको चलाते ही रहना है कंटिन्यूसली। फिर आपको ऐड करने हैं मसाले। तो इसमें मैंने सूखा धनिया 1 चम्मच, रेड चिली 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है। तो ये 3 मसाले मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और मैं अच्छे से इन मसालों को अब मिक्स कर लूँगी मेरी ग्रेवी में, ताकि अच्छे से मसाले जो है पक जाएँ। तो 5 मिनट्स के लिए आपको इस को अच्छे से पकाना है, ताकि जो कच्चापन है मसालों का वो अच्छी तरह चला जाए और ग्रेवी में खुशबू आने लग जाएगी। आप देखेंगे सब्ज़ी की जो ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, हमें इसे पतला करना है, लेकिन हम डायरेक्ट पानी ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ओनियन टमाटर अलग अलग दिखेंगे, अच्छी नहीं लगेगी सब्ज़ी। तो इसलिए मैं थोड़ा 1 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। मैं साइड में ग्रेवी करके वहीं पर बेसन को थोड़ा सेक लूँगी। सेकना बहुत ज़रूरी है बेसन को, वरना कच्चा कच्चा स्वाद आएगा बेसन का। तो मैंने कढ़ाई में ही ऑयल डाल के थोड़ा सा बेसन सेक लिया है, और अब मैं इस बेसन को सेकने के बाद पूरी ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और बहुत ही अच्छा जो है कंसिस्टेंसी बनेगी बेसन ऐड करने के, और जो जो ग्रेवी है उसको बाइंड करके रखता है बेसन। तो आप देख सकते हैं पूरा जो बेसन है और पूरी ग्रेवी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करूँगी। आपको आप जितना भी नमक खाते हैं उस अकॉर्डिंग आप ऐड कर लीजिए। मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, याद रखिए पनीर भुर्जी बहुत ज़्यादा लिक्विड टेक्स्चर की नहीं होती है, थोड़ी सी लचलची सब्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप वाटर ऐड किया है, और आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग टेक्सचर आया है सब्जी का और कितनी ज़्यादा यमी लग रही है सब्ज़ी। अभी तो पनीर यानी कि मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना बाकी है, लेकिन अभी से ग्रेवी कितनी ज़्यादा यमी लग रही है। तो ऑयल जो है ऊपर आने लग गया है। अब हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। तो कस्तूरी मेथी मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, ये जो है सब्ज़ी के स्वाद में जो है बहुत ज़्यादा जायका ऐड करता है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट्स बाद, जब तक हम हमारे पनीर क्रम्बल कर लेते हैं। याद रखिए पनीर जो है पनीर भुर्जी के नाम से हमें लगता है कि हमें किसना है, बट क्रम्बल्ड पनीर का जो टेस्ट आता है ना, आई कैन टेल यू, ये टेक्सचर भी बहुत अच्छा देता है सब्ज़ी को और लगता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है सब्ज़ी में। तो इस तरीके से आप रफली क्रम्बल कर लीजिए पनीर को। अब हम ऐड करेंगे पनीर यानी कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट, और इसे अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे। वाओ, तो कितनी ज़्यादा सुंदर बोल सकते हैं, क्योंकि कलर्स बहुत सारे आ गए हैं सब्ज़ी में, बहुत अच्छी लग रही है सब्ज़ी देखने में भी, और आई नो आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो अब इसे हमें 5 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ऑयल रिलीज़ होने नहीं लग जाए और जो पनीर है उसके अंदर ग्रेवी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और नमक भी अच्छी तरह चला जाएगा। और आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। यही थी हमारी लास्ट स्टेप, और ये है पनीर भुर्जी की पूरी रेसिपी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है ये। आई होप आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे ये वाली रेसिपी से, जब आप पनीर भुर्जी बनाएंगे।
मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते और बहुत क्विकली बन जाती है सब्ज़ी, और टेस्ट भी हमेशा बहुत अच्छा आता है। और जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो मैं पनीर भुर्जी बना लेती हूँ, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों को ये रेसिपी जो है बहुत सारा जायका दे सके और तारीफ लूट सके अपनी फैमिली वालों की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ।